नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, अभी जो आप दृश्य देख रहे थे ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है जो जम्मू तवी में ब्रिज है उसके ऊपर हुआ है, जिसमें एक गाड़ी और इसके साथ साथ जेएमसी का जो गार्बेज कलेक्टर एक ऑटो है जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम करता है उसके बीच में एक टक्कर हुई है। और आपको बता दें, गाड़ी का नंबर दर्शकों मैं आपको बता दूं, JK20A9811 है, जिसकी टक्कर हुई है जेएमसी के एक ऑटो के साथ जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम करता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, अच्छी खबर यह है दर्शकों की, दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर है और दोनों गाड़ियों के अंदर जो लोग थे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई भी चोटें जो है नहीं आई है, जान का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें, इसमें गाड़ी की बेशक जो है वो गाड़ी काफ़ी जो है वो टूट चुकी है, आपने अभी तस्वीरों में देखा वो गाड़ी थोड़ी सी टूट चुकी है, जेएमसी के ऑटो की भी पीछे से काफ़ी जो हालत है वो ख़राब है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, आए दिन रोड एक्सीडेंट के मामले जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं दर्शकों मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा, चाहे आप टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, आप कृपया बड़े ध्यान से, बड़े आराम से और स्लो जो है आप ड्राइव करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं ड्राइविंग करते हैं और बहुत जल्दी कहीं पहुंचने की कोशिश में कहीं ना कहीं बड़े हादसे जो है हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और लोग जो है हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाते हैं। तो इसलिए दर्शकों एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा हम दर्शकों के लिए कि आप जब भी ड्राइव करें, चाहे टू व्हीलर चलाएं, फोर व्हीलर चलाएं, बड़े ही ध्यान से, आराम से और धीरे धीरे चलाएं। अगर कहीं आपको जल्दी पहुंचना है तो आप घर से ही थोड़ा टाइम पहले निकले ताकि आप टाइम से जो है पहुँच सकें। इसी के साथ दर्शकों मैं बुनी आपसे विदा लेता हूँ, जुड़ रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।